दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अरब के द्वारा लॉन्च किए गए अरब सेट 6 ए सैटेलाइट के बारे में, जिसको ओन करता है अरब सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ हेडक्वार्टर्ड इन रियाद। इसको लॉन्च किया गया था नासा के कैनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोरिडा से। इसमें काफ़ी सारे अरब और ट्यूनिशियन इंजीनियर्स डिज़ाइन और मैनुफैक्चरिंग स्टेज में इन्वॉल्व रहे। दिस इज़ अ गुड साइन टुवर्ड्स दियर विजन 2030। चलिए इसके थोड़े टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं। इसका लॉन्च मास है 6000 kg, यानी 6 टन। इसको लॉन्च किया गया था April 11, 2019 को, और मैन्युफैक्चरर है लॉकहीड मार्टिन। इट्स ए यूएस कंपनी है, और बस टाइप है लॉकहीड मार्टिन ये 2100, और इसका मिशन टाइप है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया गया था स्पेस एक्स फैलकॉन हैवी रॉकेट। ये इन लोगों का फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट रहा, और इसमें खासियत ये है कि तीनों बूस्टर्स वापस रिकवर किए गए थे। नॉर्मली सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करने के बाद बूस्टर्स को रिकवर नहीं किए जाते, वो कहीं ओशन में दे गेट डिस्पोज्ड। स्पेसएक्स को ये प्रोजेक्ट मिलने की खास वजह ये थी कि दे वर 3 टाइम्स चीपर देन देयर राइवल। इनका राइवल का नाम है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिट द ट्वेंट किड। आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इसका कॉस्ट रहा $90 मिलियन, और स्पेसएक्स को एक और प्रोजेक्ट भी मिला है जो $130 मिलियन का है। ये इट्स टू लॉन्च ए मिलिट्री मिशन। बेसिकली USA इज प्लानिंग ए स्पाई सैटेलाइट। ये लॉन्च करने के लिए स्पेसएक्स के बूस्टर इस्तेमाल किए जाने वाले। कौन से रॉकेट्स यानी बूस्टर्स को इस्तेमाल करना है, ये इट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड वेट ऑफ द सैटेलाइट। एक्चुअली अरबसैट 6A को लॉन्च करने के लिए फैल्कन 9 रॉकेट्स वे सफिशिएंट, बट उसके बावजूद भी फैल्कन हैवी रॉकेट्स वे यूज्ड। इसका मेन मकसद ये था कि दे कैन पुट द सैटेलाइट डीपर इनटू द स्पेस। तो इससे क्या होगा, रॉकेट का फ्यूल यूज होगा और सैटेलाइट का फ्यूल बच जाएगा आगे के मिशन के लिए। दोस्तों, 2018 में जब एलन मस्क ने ये फैल्कॉन हैवी का डेब्यू फ्लाइट लॉन्च करने का प्लान किया था, नासा ने या किसी ने भी कोई सैटेलाइट उसको नहीं दिए थे पेलोड के तौर पे, तो अपनी ही रोडस्टर, टेस्ला रोडस्टर लग्जरी कार को टेस्ट पेलोड के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। और इस कार के सामने ड्राइवर सीट में एक मैनिक्विन को बिठाया है जिसका नाम है स्टारमैन, और एक्सपेक्टेड है कि यह टेस्ट पेलोड ऑर्बिट करेगा सन को। जब फैल्कॉन हैवी का टेस्ट राइड फाइनल हो ही गया, तो एलन मस्क फाउंडर ऑफ स्पेसएक्स नासा को अप्रोच किया था और मांगा था कोई साइंटिफिक स्पेस लोड दो ताकि हम लोग उसको लॉन्च कर सकें, मगर नासा ने साफ मना कर दिया, ये तुम्हारा पहला ट्रायल है, वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क। फिर एलन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट में एक पब्लिक ओपिनियन लिया था, उसमें उसने कहा था फैल्कॉन हैवी का लॉन्च थोड़ा रिस्की है, तो वी वॉन्ट टू सेंड समथिंग सिलिएस्ट। तो उसके अकाउंट में ऐसे लिखा था कि इट वुड कैरी द सिलियस थिंग वी कैन इमेजिन। तो एक ट्विटर के फॉलोअर ने बताया था सिलियस थिंग ही भेजना है तो तुम अपने टेस्ला मॉडल एस को भेज दो। ये कार को पेलोड अडाप्टर के ऊपर इंक्लाइंड पोजीशन में परमानेंटली फिक्स कर दिया गया इस रॉकेट में, और इस कार को मॉडिफाई किया गया था ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के लिए ताकि फ्रंट और साइड कैमरास को इंस्टॉल कर पाएं। ये प्रोजेक्ट में जितने भी एम्प्लॉयज़ काम किए थे उनके नाम को कार के नीचे एक प्लेट में लिख के इंस्टॉल कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है, और इसके सर्किट बोर्ड में एक मैसेज भी लिखा गया, मेड ऑन अर्थ बाय ह्यूमंस। दोस्तों, इस मिशन में टोटली 3 बूस्टर्स है, 2 साइड बूस्टर्स और 1 मिड बूस्टर। आप इस वीडियो में देख सकते हैं 2 साइड बूस्टर्स जो सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करके वापस रिटर्न आ रहे हैं, और इस लॉन्च पैड में ये रिटर्न आएंगे। और तीसरा मिड बूस्टर के लिए लोकेशन आइसोलेट करके रखा गया है मिड ऑफ द सी, उधर अलग से लॉन्च पैड बनाया गया, और ये वीडियो में आप देख सकते हैं। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में यह कंफर्म किया कि बोथ द हाफ्स ऑफ द फैल्कन हैवी पेलोड श्राउड्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द अटलांटिक ओशन विदाउट एनी डैमेज। ये इतने दूर सफ़र करने के बावजूद भी इसमें कोई डैमेज नहीं है, और इसको रिफर्बिश करके वापस इसी साल दोबारा यूज़ करने का प्लान भी है करके एलन मस्क ने ट्वीट किया है। ऊपर से नीचे एक पैराशूट के थ्रू गिरते हुए पेलोड फायरिंग्स को कलेक्ट करने के लिए ये जैन शिप को इन्होंने अरेंज किया था एक बड़े नेट के साथ, इसका नाम है मिस्टर स्टीवन। ये पेलोड फायरिंग जब पानी में सॉल्ट वाटर में गिर जाता है तो करोशन पैदा होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए पानी में गिरने से पहले इसको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू मिस्टर स्टीवन शिप। स्पेस के वैक्यूम में इस पेलोड लोडिंग्स का कोई रोल नहीं है, इसलिए लिफ्ट ऑफ के 3 या 4 मिनट बाद ये मेन बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और ज़मीन की ओर आ जाते हैं, जिसको कलेक्ट करके वापस रीयूज़ करने का प्लानिंग अभी एलन मस्क ने किया है, और ये पहले फेयरिंग्स रहेंगे जो रीयूज़ करने में काम आने वाले हैं। इस $60 मिलियन प्रोजेक्ट में सिर्फ इस फेयरिंग का कॉस्ट है $6 मिलियन, यानी एग्जैक्टली 10%। तो एलन मस्क ने इसका ब्रेकअप दिया है, कॉस्ट ब्रेकअप दिया है। फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर जो इन्होंने फैल्कन 9 लॉन्च किया था उसका फर्स्ट स्टेज इट कंप्राइज ऑफ 60% ऑफ द कॉस्ट, और फिर इसका अपर स्टेज इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर 20%, और ये फायरिंग्स का 10%, और बाकी के 10% रहेंगे ऑपरेशन एंड प्रोपेलेंट चार्जेस। दोस्तों, आपने सुना होगा, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, पिछले हफ्ते इसराइल ने भी एक मून लैंडिंग का मिशन टेकअप किया था, मगर दे फेल्ड, इसराइल बुरी तरह से इसमें फेल हो गई। मगर दूसरी तरफ अरब नेशंस दे आर डूइंग ए गुड जॉब,
और दूसरी तरफ अरब नेशंस, पिछले साल यूएई ने भी एक सैटेलाइट लॉन्च किया था और इस साल सऊदी अरेबिया ने भी किया है, जिसके साथ अल्लाह की मदद है, उसको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।